ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 196,426 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। सरकार वालों इस बजट के पराली के प्रबंध के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उत्थे ही स्कूल और उच्च सिक्ख्या के लिए 17,072 करोड़ रुपये, वातावरण को बचाने के लिए जिथे सरकार वालों 1 करोड़ बूटे लाए जाने का ऐलान किया गया है, उत्थे ही खेती ते किसान भलाई के लिए 13,888 करोड़ रुपये की तजवीज़ रखी गई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला 53 करोड़ रुपये, मोहाली च लिवर इंस्टीट्यूट के लिए 25 करोड़ रुपये ते साइबर क्राइम सैटअप नूं आधुनिक करन दे लई 30 करोड़ रुपये रखे गए ने। उत्थे ही स्कूलां दी सांभ संभाल दे उत्ते 199 करोड़ रुपये खर्चे जाणगे, जदों के झोने की सीधी बिजाई ते मूंगी की फसल के लिए भी बजट दे विच 125 करोड़ रुपये रखे गए ने। इस दे नाल ही पंजाब सरकार वल्लों पुलिस विभाग के लिए भी 150 करोड़ तो उपर रुपये की रकम रखी गई है। दस दिए कि अज मान सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। अज के दिन ही पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी वल्लों वड्डी जित हासिल की गई सी। इस जित का एक वरा पूरा होने के भगवंत मान होना वालों पंजाब के लोगों का सोशल मीडिया से धन्यवाद भी किया गया है।